कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, परमोटेशन। आखिर ये परमोटेशन होती क्या है? तो देखो, एन परमोटेशन आर का फार्मूला होता है, ऊपर एन का वेक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर का वेक्टोरियल। अब देखो, ऊपर एट का वेक्टोरियल हो जाएगा, नीचे एन माइनस आर यानी एट माइनस एट का वेक्टोरियल हो जाएगा। एट माइनस एट क्या होता है? जीरो, यानी जीरो का वेक्टोरियल। ऊपर एट का वेक्टोरियल, नीचे जीरो का वेक्टोरियल। जीरो का वेक्टोरियल क्या होता है? वन होता है। फोर जीरो थ्री टू जीरो डिवाइड वन, या ये फोर जीरो थ्री टू जीरो या एट का वेक्टोरियल। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक है। जब ऊपर नीचे यानी एन और आर की वैल्यू बराबर हो तो आंसर क्या आएगा? ये जो नंबर है इसका वेक्टोरियल एट है, तो डायरेक्ट हम एट का वेक्टोरियल और हमें नाइन तक के वेक्टोरियल तो बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए, तो आंसर आ जाएगा 40320। अब मैंने कहा 9 के वेक्टोरियल याद होने चाहिए, तो 9 परमोटेशन 9 लिखा है, तो 9 का वेक्टोरियल, 9 का वेक्टोरियल होता है 362880। ये हमारा